भारत और वेस्ट इंडीज के बीच खेली जा रही 5 मैचों की T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला कल यानी रविवार को 6 अगस्त को खेला जाएगा। पहली T20 में टीम इंडिया को 4 रनों से हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में दूसरे मुकाबले में भारतीय टीम पिछली हार का बदला लेना चाहेगी। भारतीय समय अनुसार मैच रात 8 बजे शुरू होगा। पहले T20 में डेब्यू करने वाले तिलक वर्मा ने 22 गेंदों में 39 रन बनाए थे। इसके अलावा भारत का कोई भी बल्लेबाज लय में नहीं दिखाई दिया था। हालांकि दूसरे T20 में हार्दिक पांड्या की टीम पलटवार करने के लिए मैदान पर उतरेगी। वेस्ट इंडीज ने पहला T20 मैच जीता था, ऐसे में वो अपने प्लेइंग 11 में कोई भी बदलाव नहीं करना चाहेंगे। वहीं पहले T20 में हार झेलने वाली टीम इंडिया दूसरे T20 में ईशान किशन की जगह यशस्वी जायसवाल को मौका दे सकती है। एक बार फिर टीम इंडिया युवा यशस्वी जायसवाल पर भरोसा दिखा सकती है। अगर ईशान किशन की जगह टीम इंडिया में यशस्वी जायसवाल को मौका मिलता है तो वह गिल के साथ ओपनिंग करेंगे और दूसरे T20 में विकेट कीपर के तौर पर संजू सैमसन हो सकते हैं। गुयाना में खेले जाने वाले इस मुकाबले की पिच को लेकर बात करें तो यहाँ पर रन बनाना आसान नहीं होगा। अब तक खेले गए इस मैदान पर 11 T20 मैचों में पहली पारी के औसत 123 रनों को देखने को मिला है। अब तक खेले गए मुकाबलों में 5 बार लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम ने जीते हैं, तो वहीं सिर्फ 3 बार पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम मुकाबले को अपने नाम करने में कामयाब हो सकती है। आइए जानते हैं टीम इंडिया की दूसरे T20 के लिए संभावित प्लेइंग 11। टीम इंडिया के लिए युवा ओपनिंग जोड़ी शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल होंगे। तीसरे नंबर पर सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, कप्तान हार्दिक पांड्या, संजू सैमसन, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, अर्शदीप सिंह, मुकेश कुमार। धन्यवाद।